जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो उनका यह अनुभव अद्भुत होता है। जीवन का शाश्वत सत्य है मृत्यु। जन्म लेने के साथ ही मृत्यु व्यक्ति की मौत का समय भी तय हो जाता है। मौत से हर कोई डरता है, लेकिन मौत का अनुभव व्यक्ति को जीवन की सच्चाई बता जाता है। लोगों को यह जानने की जिज्ञासा कम नहीं होती दोस्तों कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्हें मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था। यहाँ आपको ऐसे आभासों और अनुभवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मृत्यु के तुरंत पहले महसूस किए जाते हैं। जब आपको यह महसूस हो जाए कि आपकी जिंदगी अब कुछ ही पलों की है, तो आपको क्या महसूस होगा, क्या अनुभव पैदा होगा? मृत्यु पूर्व आभासों के बारे में अलग अलग तरह के उल्लेख मिलते हैं। बहुत लोग मृत्यु पूर्व आभासों को नहीं मानते हैं, लेकिन साइंस ने इस बात पर मोहर लगा दी है। पर मरने के कुछ पल पहले कुछ इंसान कुछ सोचता है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक मौत के पास पहुंचकर जो अनुभव होते हैं, वे एक व्यक्ति का भौतिक दुनिया से जुड़ाव तो कम करते ही है, साथ ही उसे उस रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेरित करते हैं जो आत्मा को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। मौत के करीब पहुंचे व्यक्ति शरीर के साथ आत्मा के मरने का भी अनुभव करता है। कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जब मौत के मुंह में पहुंचने के बाद व्यक्ति को जीवनदान मिल जाता है। आपने ऐसे भी कई किस्से सुने होंगे जब अंतिम संस्कार के समय व्यक्ति को दोबारा जीवित होता देखा। इन्हीं लोगों के साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त परिणामों और वैज्ञानिकों ने अपने शोध की स्थापना अपनाई है। ऐसे कुछ किस्सों में एक अमेरिका में रहने वाली एक महिला जो कि वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इस महिला की आंखों की रोशनी बहुत कमजोर थी, बावजूद इसके उसने महसूस किया कि अपने पीछे रखी मशीन पर लिखे अंक देख पा रही है। यही नहीं, उसने खुद को ऊपर की ओर उड़ते हुए देखा। कुछ देर बाद उसकी आत्मा ने फिर से शरीर में प्रवेश किया और डॉक्टरों के अनुसार यह भी किसी भी क्षण मर सकती थी, लेकिन मृत्यु के समीप पहुंचकर वापस आ गई। इसे विज्ञान की परिभाषा में या विज्ञान की भाषा में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। पराविज्ञान के अनुसार मृत्यु से पहले ही कुछ संकेतकों की सहायता से व्यक्ति पहले ही जान सकता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है या नहीं। पर वैज्ञानिकों की माने तो सामान्यतः यह संकेत मृत्यु से 9 महीने पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ में 10 महीने तक रहता है, तो उसे यह संकेत 10 महीने भी हो सकते हैं। और ऐसे ही अगर जो कोई बच्चा 7 महीने तक रहता है, तो यह व्यक्ति के संकेत उसे 7 महीने तक भी मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़े लक्षणों को किसी भी लैब टेस्ट या क्लिनिक परीक्षण में सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि यह लक्षण केवल उस व्यक्ति को महसूस होते हैं जिसकी मृत्यु होने वाली होती है। मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़े वो संकेत जो व्यक्ति को अपना अंत समय नजदीक होने का आभास करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सामान्य तौर पर व्यक्ति जब आप अपने कान पर हाथ रखते हैं तो उन्हें आवाज सुनाई देती है, लेकिन जिस व्यक्ति का अंत समय निकट होता है उसे किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती, यानी सुनाई देनी बंद हो जाती है। व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसने उसके सामने कोई अनजाना चेहरा बैठा है। मृत्यु का समय नजदीक आने पर व्यक्ति की परछाई उसका साथ छोड़ जाती है। मृत्यु से पहले मानव शरीर में से अजीब सी गंध भी आने लगती है दोस्तों, जिसे मृत्यु गंध का नाम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को अपना चेहरा भी नहीं दिखाई देता। चेहरा दिखाई देने लगे तो स्पष्ट तौर पर समझ लेना कि 24 घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब धर्म के आधार पर देखें तो हर धर्म में आत्मा को ये 2 गंतव्य स्थानों का जिक्र किया गया है, एक नरक और दूसरा स्वर्ग। ऐसा कहा जाता है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्माएं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाली लोगों की आत्माएं नरक में जाती हैं। व्यक्ति बहुत अच्छे से जानता है कि वह जीवन भर उसने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, शायद उससे बेहतर कोई यह बात नहीं जान सकता। इसलिए जब मौत उसके निकट होती है, तब उसकी आत्मा अपने कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग या नरक जाने की यात्रा शुरू कर देती है। और तो और, भैंसे को कर्मों का हिसाब रखने वाले मृत्युदेव यमराज की सवारी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मौत को बहुत नजदीकी से देखा, और कहना है उनका कि वह एक भैंसे के ऊपर बैठकर अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे। बौद्ध धर्म से भी जुड़े लोग कुछ कहते हैं कि जिन्होंने नियर दैट एक्सपीरियंस किया है, उनके अनुसार उनकी अंतिम यात्रा काले पहाड़ों और गहरे समुद्र और आसपास रंगीन फूलों के रास्ते से गुजरी है। उन्होंने इस दौरान महात्मा बुद्ध को अपने साथ देखा। वहीं हिंदू धर्म के लोगों ने रास्ता तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने बुद्ध को नहीं बल्कि कृष्ण को देखा। जीवित व्यक्तियों के मृत्यु के निकट होने जैसे आवाज को समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि जीवित अवस्था में आपके विचार विश्वास मरने के बाद आपकी यात्रा को बहुत प्रभावित करते हैं, और इन सभी में धर्म की का भी एक बड़ा रोल निभाता है। धर्म भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।